छोड़कर अब सहारे को भरोसा खुद पर लिया मैंने। दम तोड़ चुकी थी जो मुझ में कहीं, उस उम्मीद को फिर से जिंदा कर लिया मैंने, उस उम्मीद को फिर से जिंदा कर लिया मैंने। फ्रेंड्स, अपनी नाकामयाबियों के लिए हमारे पास बहुत से बहाने होते हैं। हम अपने माता पिता, परिवार और अपने आसपास के माहौल को भी दोष देने लगते हैं। ये बात अलग है कि हम जहाँ पैदा हुए, हमारे माता पिता, उनके बीच के रिश्ते और हमारी आर्थिक स्थिति का हम पर और हमें मिलने वालों मौकों पर असर पड़ता है, पर जन्म से ही सब कुछ तय नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि आप बिना रुकावट के सफलता की सीढ़ियां चढ़ने लगते हैं। नाकामयाबी जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन उसके लिए दूसरों को दोष देना और बहाने बनाकर उसको छुपाना गलत है। अपनी नाकामयाबी को हमें बहाने बनाकर उससे पीछा छुड़ाना नहीं है, बल्कि अपनी नाकामयाबी से सीख कर खुद को कामयाब बनाना है। कभी भी सब कुछ एक साथ गलत नहीं होता। हमने क्या किया यह भी महत्वपूर्ण है। फेल होने पर यह बात समझना बहुत जरूरी है कि हमने क्या किया, जो किया वो सही था क्या, क्या उसे और बेहतर किया जा सकता था। जब आप खुद से ऐसी बातें पूछोगे तो आपको नए अवसर मिलेंगे और आप कामयाब बनोगे। मेरे दोस्त, अमेरिकन लेखक जेके रॉलिंग कहती है कि हम कैसे और कहां पैदा हुए, इससे ज्यादा मायने ये रखता है कि हम आगे कैसे बढ़ें। इसीलिए बस आप ये याद रखो, हर इंसान के अंदर एक खास शक्ति होती है, एक ऐसी शक्ति जो हमसे नामुमकिन चीज को भी मुमकिन करा देती है। लेकिन सिर्फ शक्ति का होना ही जरूरी नहीं, हमें अपने अंदर की शक्ति की जानकारी होना बहुत जरूरी है, उसे सही दिशा में इस्तेमाल करना भी बहुत जरूरी होता है। हम सब अपनी सोच से कहीं ज्यादा मजबूत और शक्तिशाली होते हैं, पर हम ज्यादातर सोए ही रहते हैं, हमें अपनी शक्ति का पता नहीं रहता। फ्रेंड्स, वो कहते हैं ना, यू कांट क्लाइम द लैडर ऑफ सक्सेस विथ योर हैंड्स इन योर पॉकेट्स। इट मींस जेब में हाथ डालकर आप सफलता की सीढ़ियां नहीं चढ़ सकते। बिल्कुल उसी तरह सिर्फ शक्ति का होना जरूरी नहीं है जब तक आप उस पे काम न करो। मेरे दोस्त, हम दूसरे सफल लोगों को देखते हैं और भूल जाते हैं कि उनके जैसा और उनसे बेहतर बनने की शक्ति हमारे अंदर भी है। कई बार रास्ता मालूम होने पर भी हम कदम आगे नहीं बढ़ाते और कहीं नहीं पहुंच पाते। अपनी शक्ति के साथ सही दिशा में बढ़ाया गया छोटा सा कदम भी बड़ा बन जाता है। लेखक यशपाल कहते हैं कि जागी हुई चींटी की शक्ति सोए हुए हाथी से अधिक होती है। क्या कहते हैं लेखक यशपाल की जागी हुई चींटी की शक्ति सोए हुए हाथी से बहुत अधिक होती है। इसीलिए मेरे दोस्त, अपने आप पर काम करना शुरू करो, बाकी सब कुछ खुद बखुद हो जाएगा।